ब्रांडिंग के लिए बिजनेस कार्ड एंड लेटर हेड बहुत इम्पोर्टेंट है तो आज हम सबसे पहले करेंगे बिजनेस कार्ड एंड देन लेटर हेड पर रिमेम्बर बिजनेस कार्ड एंड लेटर हेड बनाना सबसे इजी है सिर्फ कुछ गाइडलाइंस का आपको ध्यान रखना होगा नाउ बिजनेस कार्ड के लिए हम साइज़ यूज़ करेंगे 3.5 पॉइंट फाइव बाई इंच जो यूएस साइज़ है बिजनेस कार्ड दो टाइप्स के होते हैं एक है यूएस साइज बिजनेस कार्ड और ए वन इज़ जैपनीज साइज़ जापानीज़ साइज बिजनेस कार्ड का साइज वीथ एंड हाइट थोड़ा ज़्यादा होता है और वो सिर्फ जापान में ही यूज़ होता है इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ हम यूएस साइज़ यूज़ करते हैं और यूएस साइज़ इज़ 3.5 पॉइंट फाइव बाई टू इंच सो थ्री पॉइंट फाइव बाई टू इंच नाउ अगर आपको ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जो चाहिए वो यहाँ से सेट, सेट कर लीजिए मैं कर रही हूँ ओरिएंटेशन लैंडस्केप आर्ट बोर्ड वन अगर सिर्फ सिंगल फेसिंग बिजनेस कार्ड चाहिए और टू आर्ट बोर्ड्स जब फ्रंट एंड बैक बिजनेस कार्ड चाहिए ये प्रिंट के लिए है तो ऑब्वियसली ब्लीड देना जरूरी है 0.125 इंच और कलर मोड शुड भी सी एम वाई के क्योंकि ये प्रिंट के लिए है तो आप यहाँ से अगर प्रिंट चूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली कलर मोड यहाँ सी एम वाई के और ये रेजोल्यूशन 300 हो जाएगा एंड आर्टबोर्ड टू मुझे फ्रंट एंड बैक दोनों चाहिए एंड अगेन आई हैव टू सेट द ब्लीड तो इसीलिए ये टॉप पैनल से प्रिंट ऑप्शन सिलेक्ट करके देन यू पुट ऑल दिस पैरामीटर्स यहाँ एक मोड़ सेटिंग्स का ऑप्शन है वो सेटिंग को आप ऐसे ही रखिए क्योंकि मुझे इस सेटिंग में कुछ नहीं करना है देन यू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट ये मेरा पोर्ट्रेट मोड में आ गया है बट मुझे लैंडस्केप चाहिए डॉक्यूमेंट एक बार बन जाए अगर उसके बाद ओरिएंटेशन चेंज करना है तो आप यहाँ से आर्टबोर्ड टूल में क्लिक कर सकते हैं या आप जा सकते हैं डॉक्यूमेंट सेटअप आप डॉक्यूमेंट सेटअप पे जाइए और देखिए यह ऑप्शन है एडिट आर्ट ये सेम ऑप्शन अगर मैं ये आर्ट बोर्ड टूल पे क्लिक करूँगी तो भी आएगा सो एडिट आर्ट बोर्ड ऑप्शन आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ देखिए ऑप्शन है ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट विच इज द करेंट ओरिएंटेशन और आप कीजिए लैंडस्केप फर्स्ट आर्ट बोर्ड लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाएगा आप विंडोज में जाइए और आर्ट बोर्ड ऑप्शन को ऑन कीजिए ये है आर्ट बोर्ड टू तो आर्ट बोर्ड टू को सिलेक्ट कीजिए एंड अगेन यू डू दिस लैंडस्केप मोड आर्ट बोर्ड का ओरिएंटेशन चेंज हो गया है बट नाउ ये दो ओवरलैपिंग आर्टबोर्ड्स हो गए हैं तो इसको मुझे ठीक करना है नहीं तो मैं इस पर काम नहीं कर पाऊंगी तो यहाँ से आप क्लिक कीजिए रीअरेंज ऑल एंड यहाँ से जो भी ऑप्शंस आपको सही लगे वो आप क्लिक कीजिए मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ अरेंज बाय कॉलम इधर आई कैन डू अरेंज बाय रो एंड हिट ओके तो आर्टबोर्ड नॉर्मली अभी अरेंज हो गया है दिस इज़ माय फ्रंट एंड दिस इज़ माय बैक सो आर्ट बोर्ड वन को मैं डबल क्लिक करके आई एम नेमिंग इट एज़ फ्रंट एंड आर्ट बोर्ड टू आई एम नेमिंग इट एज़ बैक अब मुझे सेफ एरिया के लिए मार्जिन डालने हैं और मार्जिन हम लोग यूज़ करेंगे 0.125 इंच मीन्स वन फोर्थ ऑफ एन इंच ये ज़ीरो है एंड ये वन है इसके बीच वन फोर्थ वन थर्ड थ्री फोर्थ ऐसे मार्किंग है तो इसके लिए आप रूलर को यूज कर सकते हैं इलास्ट्रेटर में रूलर कम्स फ्रॉम व्यू एंड शो रूलर्स। तो मैं यहाँ से रूलर ड्रॉ कर रही हूँ ये जीरो पॉइंट वन टू फाइव इंच तक बट समटाइम्स आई हैव सीन के लेफ्ट मार्जिन देना इजी होता है बट राइट मार्जिन देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए तो आप और एक चीज़ भी कर सकते हैं कि आप रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ विथ और हाइट कीजिए 0.125 इंच और इस रेक्टेंगल को यहाँ ड्रॉ कर दीजिए एंड देन ये रूलर से गाइड क्रिएट करके यहाँ डाल दीजिए लेफ्ट साइड का गाइड है टॉप लेफ्ट साइड का अभी यही रेक्टेंगल को आप नीचे लेके आइए और आप प्लेस कीजिए यहाँ अगर अलाइनमेंट के लिए प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कीजिए अलाइन टू आर्ट बोर्ड दिस वर्टिकल अलाइन बॉटम यहाँ से कीजिए वर्टिकल अलाइन लेफ्ट ताकि आपका ये रेक्टेंगल लेफ्ट राइट से प्रॉपरली अलाइन हो जाए सेम विथ दिस बट यहाँ थोड़ा सा गैप है तो इस गाइडलाइंस को आप और एक बार यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए। सही से देखना है तो आप यहाँ से यूज कीजिए जूम टूल यहाँ देखिए 64,000% फोर पर थाउजेंड परसेंट जूम लेवल हो गया है तो यहाँ से आप कीजिए फिट टू स्क्रीन ऊपर से और एक गाइड लीजिए और इस ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ अटैच कर दीजिए सेफ एरिया में एक बैकग्राउंड डाल दीजिए नो स्ट्रोक कलर ओनली द फिल कलर एंड इसको अलाइन कर दीजिए हॉराइजेंटल अलाइन सेंटर एंड वर्टिकल अलाइन सेंटर ऑन ऑल आर्ट बोर्ड्स जब ही आप पेस्ट ऑन ऑल आर्ट बोर्ड करेंगे तो आपका कॉपीड ऑब्जेक्ट नेक्स्ट आर्ट बोर्ड में पेस्ट हो जाएगा एक प्रॉब्लम यहाँ होता है कि वही ऑब्जेक्ट ये फर्स्ट आर्ट बोर्ड में भी एक बार पेस्ट हो जाएगा तो उसको आप डिलीट कर दीजिए बिजनेस कार्ड में और एक चीज हम ऐड करते हैं वो है क्रॉप मार्क्स क्रॉप मार्क्स आप तीन तरीके से ऐड कर सकते हैं सो द फर्स्ट वन इज यू गो टू इफेक्ट एंड क्रॉप मार्क्स बट जब तक कोई भी शेप यहाँ सिलेक्टेड नहीं होगा तब तक क्रॉप मार्क्स विजिबल नहीं होगा तो ये जो सेफ एरिया का रेक्टेंगल है वो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ इफेक्ट एंड क्रॉप मार्क्स तो ये क्रॉप मार्क्स यहाँ विजिबल हो जाएगा ये क्रॉप मार्क्स एक्चुअली वो मार्क्स है जहाँ से विजिटिंग कार्ड कट होता है बट ये जो सेफ एरिया का रेक्टेंगल है वो हम लोग बाद में डिलीट कर देते हैं वास्त द बिजनेस कार्ड इज़ डन तो जब भी आप इस रेक्टेंगल को डिलीट करेंगे तो साथ में क्रॉप मार्क्स भी डिलीट हो जाएगा सो so, ये ऑप्शन मैं यहाँ यूज़ नहीं कर सकती और एक ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं कि ये रेक्टेंगल को ही थोड़ा सा और इंक्रीज करके साइज़ यहाँ एक्स्ट्रा रेक्टेंगल डाल दीजिए और वहाँ क्रॉप मार्क्स ऐड कीजिए तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म एंड स्केल यूनिफॉर्म स्केल इफ यू वॉन्ट तो आप कर सकते हैं मैं करूँगी नॉन यूनिफॉर्म स्केल अगर यहाँ मैं कॉपी पे क्लिक करूंगी तो एक दूसरा क्रॉप मार्क यहाँ एड हो जाएगा बिकॉज ऑलरेडी मैं यहाँ क्रॉप मार्क एड कर चुकी हूँ सो so, मैं बैग जाके क्रॉप मार्क इफेक्ट पैनल से अभी नहीं डाल रही हूँ फर्स्ट इस रेक्टेंगल को मैं कॉपी करूंगी सो द सेम प्रोसेस आई विल फॉलो ये जो रेक्टेंगल है इसके ऊपर आई विल एड द क्रॉप मार्क्स अगर आप प्रिंट के लिए भेज रहे हैं ये चीज को तो आप कोई भी रेक्टेंगल ऐसे डाल के नहीं भेज सकते बट एज आई टोल्ड यू के इस रेक्टेंगल को भी अगर मैं डिलीट कर दूंगी तो ऑटोमेटिकली क्रॉप मार्क्स डिलीट हो जाएगा सो एनदर टेक इज दैट इस स्ट्रोक को आप नान कर दीजिए स्ट्रोक अगर नन करेंगे बट उसको डिलीट नहीं करेंगे तो क्रॉप मार्क्स रह जाएगा सो so, जब ये प्रिंट होगा तब प्रिंटिंग पर्सन को ये समझ में आएगा कि यहां से विजिटिंग कार्ड को क्रॉप करना है अगर इस क्रॉप मार्क को आप और भी बाहर डालना है तो इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कीजिए फिर से इसका स्ट्रोक देके आप उसका साइज़ इंक्रीज़ कर दीजिए बट मेक श्योर रेक्टेंगल का स्ट्रोक का विथ कम होना चाहिए तो ऑटोमेटिकली क्रॉप मार्क्स भी साथ में इंक्रीज हो जाएगा सो so, क्लाइंट के पास से जैसे स्पेसिफिकेशन आएगा आप उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इस रेक्टेंगल को ड्रॉ कीजिए तो so, इस रेक्टेंगल को आप कॉपी कीजिए और फिर सेकेंड आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट कीजिए और उसको पेस्ट कर दीजिए अगर आप डायरेक्टली ऐसे पेस्ट करेंगे तो कहीं भी वो पेस्ट हो सकता है सो आप कीजिए एडिट पेस्ट इन प्लेस और एक ऑप्शन है क्रॉप मार्क्स एड करने का वो है मैनुअली क्रॉप मार्क्स एड करना अगर आप फाइल में जाएंगे और ये न्यू फ्रॉम टेम्पलेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सो ये ब्लैंक टेम्पलेट में इलास्ट्रेटर के काफी सारे डिफॉल्ट टेम्पलेट्स हैं इसमें अगर बिजनेस कार्ड ऑप्शन को आप ऑन कीजिएगा तो ये जो क्रॉप मार्क्स है सब मैन्युअली क्रिएटेड है ये लाइन सेगमेंट टूल से इस क्रॉप मार्क को ऐसे ऐड कीजिए सपोज मैं अभी क्रॉप मार्क्स यहाँ ऐड कर रही हूँ एकदम साइड में एंड देन ये सिलेक्शन टूल से वो आप यहाँ अलाइन कर दीजिए दोनों को साथ में सिलेक्ट कीजिए एंड देन ग्रुप कर लीजिए अभी ये क्रॉप मार्क को आप डुप्लीकेट करके डाल दीजिए सो दिस इज द वे हम क्रॉप मार्क्स एड करते हैं इफ आप इसको मैनुअली एड कर रहे हैं तो नहीं तो आप जैसे मैंने पहले ही दिखाई एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसका स्ट्रोक नॉन करके यू कैन एड द क्रॉप मार्क्स सो बिजनेस कार्ड का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया है अभी हम एक बिजनेस कार्ड यहाँ बनाएंगे बट कोई भी बिजनेस कार्ड बनाने से पहले आप कुछ रेफरेंसेस देख लीजिए या क्लाइंट के पास से कोई रेफरेंस इमेज आया है तो वो आप यूज कीजिए तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल कुछ ऑन करके रखे हैं बिजनेस कार्ड एग्जाम्पल्स जो डिज़ाइनस आप यहाँ देखेंगे आज कल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस कार्ड्स हम लोग यूज़ नहीं करते हैं कोई ग्रेडियंट नहीं है कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं है कलर आप यूज़ कर सकते हैं बट मोस्टली सब कलर सिंगल कलर होता है क्यों अगर ग्रेडियंट यूज़ करेंगे बिजनेस कार्ड में और जब प्रिंटिंग के टाइम कार्ड का क्वालिटी सही नहीं है तो आउटपुट बहुत ही ख़राब आता है तो इसलिए देखिए यहाँ बहुत ही ब्राइट कलर उन्होंने यूज़ किया है बट कलर सिंगल है और सॉलिड कलर है सो so, यहाँ से मैं एक बिजनेस कार्ड चूज करूंगी और इस बिजनेस कार्ड को अभी मैं यहाँ क्रिएट करूंगी चूज कर रही हूँ ये बिजनेस कार्ड जब आप कोई बिजनेस कार्ड क्रिएट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास कुछ एड्रेस आएगा सो so, एड्रेसेस हमेशा नोट पैड में कॉपी करके रखिए क्योंकि समटाइम्स अगर वर्ड से डायरेक्टली आप कॉपी कर रहे हैं या आपने मेल से आप कॉपी कर रहे हैं तो स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाता है अगर आप उस टेक्स्ट को माइक्रोसॉफ्ट नोट पैड में पेस्ट कर लेंगे तो उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स चला जाता है सो so, मैंने ये एक फेक एड्रेस नोट पैड में पेस्ट करके रखे सो so, ये फ्रंट है और ये बैक है आई अज्यूम सो इन द फ्रंट फर्स्ट आई विल क्रिएट द लोगो सो लोगो मैं फ्रंट में भी यूज़ करूंगी और बैक में भी यूज़ करूंगी एंड आई गो टू आर्ट बोर्ड्स ताकि मैं देख पाऊँ कौन सा फ्रंट है और कौन सा बैक है तो सबसे पहले लोगो लोगो के लिए आई विल क्रिएट अ रेक्टेंगल अगर स्क्वायर रेक्टेंगल चाहिए तो यहाँ एक बार क्लिक कीजिए और फिर यहाँ से आप रेक्टेंगल को स्क्वायर कर लीजिए बैकग्राउंड कलर एकदम ब्लैक मत यूज कीजिए डार्क ग्रे यूज कीजिए क्योंकि कार्ड का बैकग्राउंड व्हाइट है और व्हाइट के ऊपर एकदम स्टार्क ब्लैक यूज नहीं करना चाहिए उसमें रीडेबिलिटी कम हो जाता है सो so, मैं यूज कर रही हूँ डार्क ग्रे बैकग्राउंड एंड नो फिल कलर अभी इस एग्जाम्पल में देखिए दो टेक्स्ट भी है एच एच तो वो दो टेक्स्ट मैं यहाँ क्रिएट कर लेती हूँ ये जो बैकग्राउंड मैंने अभी क्रिएट किया है वो डार्क ग्रे है तो इसलिए आप टेक्स का कलर व्हाइट रख सकते हैं या बेट ऑफ आइवरी या क्रीम कलर भी डाल सकते हैं अब इस दोनों ऑब्जेक्ट को आप एक साथ सिलेक्ट कीजिए ये बैकग्राउंड एंड ये टेक्स्ट और यहां से कीजिए अलाइन टू की ऑब्जेक्ट एंड होराइजेंटल अलाइन सेंटर एंड वर्टिकल अलाइन सेंटर यहाँ एक टेक्स्ट भी हैरी हार्पर सो दैट आई नीड टू राइट ये फॉन्ट लोगों के नीचे है सो इसीलिए बोल्ड यूज मत कीजिए आप सेमी बोल्ड या मीडियम ये भी यूज कर सकते हैं। बट ये जो टेक्स्ट है एंड ये बॉक्स है दोनों का वीथ सिमिलर होना चाहिए सो so इसलिए मैं ये हैरी हार्पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसका साइज और थोड़ा छोटा करूंगी आई विल इंक्रीज द ट्रैकिंग और द लेटर स्पेसिंग बहुत ही ज्यादा जूम लेवल बढ़ा के उसको आप सही कीजिए लोगो इज एक्सेसिवली बिग अभी मैं जाती हूँ विंडोज एंड विंडोज में एक ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म आप विंडोज ट्रांसफॉर्म से कोई भी ऑब्जेक्ट का वी तेन हाई इन डिक्रीज एंड इनक्रीज कर सकते हैं मुझे ये साइज रखना है बिजनेस कार्ड का फ्रंट है एंड देन ये बैक बैक साइड में देखिए ये लोगो है साइड में एंड देन नेम डेजिगनेशन फोन नंबर एंड ईमेल आईडी। आप इसमें एड्रेस भी डाल सकते हैं एंड क्यूआर कोड भी डाल सकते हैं गो टू विंडोज एंड आर्टबोर्ड्स एंड इसको मुझे सेकेंड आर्ट बोर्ड में पेस्ट करना है बैक साइड में लोगो काफी छोटा रखिए सो फोकस लोगो पे नहीं होना चाहिए फोकस टेक्स्ट पे होना चाहिए सो so मैं इस लोगो को एकदम साइड में ऐड कर देती हूँ मैं ऐड कर रही हूँ नेम एंड डेजिग्नेशन एंड यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके मैं नेम एंड सब कुछ साथ में ऐड कर देती हूँ अभी मैं इसको अलाइन करूँगी एंड जो जो मुझे स्टाइलिंग करना है वो करूँगी आप विंडोज़ में जाइए टेक्स्ट टाइप एंड कैरेक्टर ऑन कर लीजिए मुझे नेम और ये सब में लेटर स्पेसिंग नहीं चाहिए सो लेटर स्पेसिंग आप ज़ीरो कर दीजिए नाउ नेम एंड एड्रेस इसमें फ़ॉन्ट के साइज़ का फ़र्क होना चाहिए जैसे नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सो so नेम आप रख सकते सेवन और एट भी आप रख सकते हैं बट समटाइम्स क्लाइंट्स ट्वेल्व फोर्टीन भी मांगते हैं सो so, जो चीज़ क्लाइंट को बिग फॉन्ट में चाहिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वही आप बिग फॉन्ट में डालिए तो इसमें आप टेन तक डाल सकते हैं नेम बिकॉज नेम इज इंपॉर्टेंट या क्लाइंट्स कंपनी नेम चाहते हैं कि आप ट्वेल्व फोर्टीन तक रखें डेजिग्नेशन सो आई एम राइटिंग ग्राफिक डिजाइनर ये जो टेक्स ग्राफिक डिजाइनर वो आप स्मॉल में डालिए नॉट इन कैप्स बट ये अगर मैं कैप्स में डाल भी रही हूं तो ये चेंज करने के लिए मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज ये कैप्स ये टेक्स्ट ऑप्शन से आ रहा है ये डेजिग्नेशन एंड नेम दोनों सेम फ़ॉन्ट साइज में नहीं हो सकता है डेजिग्नेशन का फॉन्ट साइज हमेशा छोटा होना चाहिए आप इसको सिक्स सेवन एट तक रखिए इससे छोटा भी कर सकते हैं लाइन हाइट को आप डिक्रीज कर दीजिए ये ग्राफिक डिज़ाइनर का लेटर स्पेसिंग आप इंक्रीज कर दीजिए मैं और एक चीज़ करूँगी ये फॉन्ट का जो स्टाइल है उससे मैं कर दूंगी रेगुलर या आई कैन डू लाइट ऑल्सो ताकि आपको ये डिफरेंस बिटवीन द नेम एंड द डेजिग्नेशन समझ में आए फ्रॉम एड्रेस थोड़ा सा नीचे आ जाइए देखिए ये एग्जाम्पल में भी वैसा है एड्रेस या फ़ोन नंबर या ई मेल आई डी नीचे है तो एक स्पेस आप छोड़ दीजिए सो एड्रेस के लिए आप आइकन्स भी यूज़ कर सकते हैं और आइकन्स के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फ्लैटिकन आप फोन टम awesome डाउनलोड करके वो आइकन्स भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं यहाँ सिंपल फ्लैटिकन से आइकन्स यूज करूँगी सो so, यहाँ मैं दे देती हूँ एड्रेस सो काफ़ी सारे आइकन्स यहाँ डिस्प्ले होगा बट जिस आइकन पे ये साइन uh, है इट मीन्स दे आर ऑल प्रीमियम आइकन आपको ये ख़रीदना होगा ये आइकन फ्री है सो so आप ये आइकन भी यूज कर सकते हैं एंड आप इलास्ट्रेटर में आइकन क्रिएट करके भी आइकन यूज कर सकते हैं पी एन जी मत लीजिए बिकॉज बिजनेस कार्ड है वो प्रिंट के लिए है सो so मैं यूज करूँगी एस वी जी एस वी जी इज वेक्टर ग्राफिक्स एंड वेरी लाइट वेट एंड इलास्टर एक ही सॉफ्टवेयर है जो एस वी जी ग्राफिक्स सपोर्ट कर रहे हैं सो so यहाँ से जो भी आ, इनका सिक्योरिटी एक्सेस है वो सब आप कर लीजिए एंड देन इस आइकन को डाउनलोड कर दीजिए ये एस आइकन अभी लास्ट चैप्टर में आ गया है तो इसको मैं कॉपी करके मेरे फाइल में पेस्ट कर देती हूँ और आप इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली आप कलर को चूज करके यहाँ डाल दीजिए ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके आइकन को छोटा कर लीजिए और आइकन को यहाँ डाल दीजिए जहाँ एड्रेस है वहाँ आइकन को डाल दीजिए एड्रेस का टेक्स्ट कभी भी कैपिटल में मत रखिए उसको आप स्मॉल कर दीजिए सो so, मैं यहाँ से ऑल कैप्स का ऑप्शन ऑफ कर दूंगी और एड्रेस का टेक्स्ट सिक्स सेवन एट तक हो सकता है इससे भी अगर आपको छोटा चाहिए वो भी आप कर सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट रूलर लेके आइए और इसका अलाइनमेंट सही से कीजिए ताकि जहाँ से एड्रेस स्टार्ट हो रहा है वहीं से ये आइकन्स भी स्टार्ट हो सो so, ये आइकन अभी सेट हो गया है यहाँ नाउ दिस इज द फोन नंबर सो फोन नंबर के लिए आप अगेन फ्लैटिकन से आइकन लेके आइए और फोन नंबर के वहाँ आप यूज़ कीजिए फोन नंबर के जगह मैंने ये आइकन यूज़ किया है और इस दोनों आइकन को अलाइन करने के लिए दोनों आइकन को साथ में सिलेक्ट कीजिए और आप कीजिए अलाइन टू की ऑब्जेक्ट एंड क्लिक ऑन दिस हॉराइजेंटल अलाइन सेंटर बट ये फ़ोन नंबर इतना ऊपर नहीं हो सकता है थोड़ा सा इसको नीचे लाना है सो टेक्स टूल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ एक बार क्लिक कीजिए जस्ट बिफोर द फ़ोन नंबर और विंडोज़ में जाइए एंड टाइप एंड कैरेक्टर यहाँ से आप सेट कीजिए लाइन हाइट को बट लाइन हाइट ऐसे नीचे नहीं आएगा तो इसलिए आप सिर्फ फ़ोन नंबर को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से फ़ोन नंबर का लाइन हाइट इंक्रीज कर दीजिए एंड नाउ ये आइकन को भी ड्रैग करके नीचे लेके आइए इवन फॉर दिस ईमेल आईडी भी सेम आप ईमेल आईडी को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और इसका लाइन हाइट इंक्रीज कर दीजिए बट रिमेंबर लाइन हाइट जो फोन नंबर का लाइन हाइट है वही सेम लाइन हाइट आप इस पर डालिए नाउ आप फ्लैटिकन से आइकन लेके आइए ईमेल आईडी का एंड अपने बिजनेस कार्ड पे वो आइकन डाल दीजिए नाउ ये जो आइकन्स मैंने अभी तक यूज किया है सब स्ट्रोक आइकन है कोई फिल कलर नहीं है ये आइकन यूज करेंगे या जो भी आइकन यूज करेंगे स्ट्रोक आइकन होना चाहिए फिल कलर का आइकन मत यूज़ कीजिए एक्चुअली द कॉन्सेप्ट इज दैट आइकन्स कलर्स फॉन्ट फॉन्ट कलर एंड इवन डिस्टेंस बिटवीन टू फॉन्ट्स सब सिमिलर होना चाहिए सो so, ये ईमेल आइकन मैंने अपने फाइल में पेस्ट कर दिया है एंड नाउ उसका साइज़ छोटा करके आप इस ईमेल मेल आइकन को यहाँ डाल दीजिए अलाइनमेंट के लिए अगेन सेम ऑप्शन आप यूज़ करेंगे वो है अलाइन टू की ऑब्जेक्ट एंड हॉराइजेंटल अलाइन सेंटर अगर मुझे क्यू आर कोड यहाँ ऐड करना है तो गूगल में जाके आप कीजिए क्यू आर कोड जेनरेटर ये जो वेबसाइट फर्स्ट आएगा क्यू आर कोड जेनरेटेड ये बहुत ही इजी वेबसाइट है टू क्रिएट क्यू आर कोड्स यहाँ अपना टेक्स्ट यू आर एल कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर सब लिख के आप क्यू आर कोड जेनरेट कर सकते हैं देन ऐसा एक इमेज जेनरेट होगा इस इमेज को डायरेक्टली अपने फाइल में आप ऐड कर दीजिए अगेन लाइन हाइट को आप छोटा कर दीजिए ये जो एंटायर टेक्स्ट है ये सब प्रॉपरली अलाइन होना चाहिए मतलब डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम सेम होना चाहिए यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए फ्रॉम द आर्टबोर्ड स्टार्टिंग टिल हियर एंड यही रेक्टेंगल को आप कॉपी करके यहाँ प्लेस कर दीजिए सो नाउ सी ये जो टेक्स्ट है वो अलाइंड नहीं है टॉप एंड एंड बॉटम से तो आप मैनुअली इसको ड्रैग करके अलाइन कर लीजिए ताकि टेक्स्ट का डिस्टेंस सिमिलर हो नाउ ये रेक्टेंगल्स को आप डिलीट कर दीजिए नाउ ये बिजनेस कार्ड बनाना बहुत ही इजी है बट मैं आपको कुछ गाइडलाइंस दे रही हूँ जो बिज़नेस कार्ड बनाने के टाइम आपको फॉलो करना है फर्स्ट फ़ॉन्ट्स ज़्यादा टाइप्स के यूज मत कीजिए एक या दो मैक्सिमम तीन यूज़ कीजिए बट थर्ड फॉन्ट जो आप यूज़ करेंगे वो हो सकता है लोगो में आप यूज़ कीजिए या कोई एक पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट करने के लिए बट जनरली हम बोलते हैं कि दो फ़ॉन्ट से ज़्यादा फ़ॉन्ट यूज़ मत कीजिए एंड कलर एक या दो कलर यूज़ कीजिए एंटायर बिजनेस कार्ड में उसमें लोगो एंड ये सब सब इंक्लूडेड है सो मैक्सिमम टू कलर्स यू कैन यूज नाम एक कलर में देन डेजिग्नेशन डिफरेंट कलर में ऐसा कभी मत कीजिए ऐसा फॉन्ट यूज़ कीजिए जो फॉन्ट रीडेबल हो अन रिडेबल फॉन्ट यूज मत कीजिए इसलिए मैं बार बार सबको गूगल फॉन्ट यूज़ करने के लिए बोलती हूँ बिकॉज़ गूगल फॉन्ट में एंटी एलियाज का प्रॉब्लम नहीं होता है जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है अपने बिजनेस कार्ड में जैसे लोगो नेम या क्लाइंट नेम वो आप सबसे बिग फॉन्ट में रखिए मैक्सिमम फोर्टीन बट फोर्टीन इज नॉट एडवाइजेबल बट स्टिल आपके पास अगर वैसे इंस्ट्रक्शन है तो आपको यूज़ करना है एंड एड्रेस फ़ोन नंबर ईमेल आईडी वो सब आप सिक्स सेवन एट ऐसे रेंज पे रखिए बट अगेन द सेम थिंग आई विल से दैट क्लाइंट के पास से जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा आप उसी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम कीजिए